fun? मजा आ रहा है? आए आए ओए 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 क्या बात है बस साहेब थकावट निकल गई यार इतना ये तो देख के थकावट निकल गई तो वर्थ इट है भाई सर कोई शर्म होती है कोई हया होती है लोग आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते आपसे बात नहीं करना चाहते और आप फिर उनके पास चले जाते हैं इतनी इतनी तकलीफें देते हैं उनको लोग आपको गालियां निकालते हैं आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते लेकिन आप इस कदर हैं कि फिर भी हर महीने मुंह उठाकर उनके घर जा जाते हैं कहां से इतनी आते हैं सर बोलते क्यों नहीं अब जवाब दें मुझे जवाब दें ना सर मुझे अब शर्मिंदगी से मुंह बंद हो गया आपका अभी पिछले महीने मैं आपको इतनी बड़ी पटीक के साथ मिला हूं इस महीने फिर आपने नई पटीक लेके मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं अजीब हो गए यहाँ पे क्या हुआ ले ए की तन क्या है ले 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 अजीब ड्रामेबाज है क्या हुआ है इतनी रात को मुंह बना के क्यों बैठे हुए सारे हमने आपको कहा था ना मैं बाहर लेके जाओ कहाँ बाहर नॉर्दर्न कहीं भी ओ यार अभी कल तो आप जलसे से फ्री हुए हो कहाँ से बाहर ले जाऊँ ऊपर से ये काले मुंह वाला आ गया 50,000 रुपए बिल लेके तो कहाँ से मैं लेके जाऊँ आपको यार मैं कोई पोर्टर भेजता हूँ कि मैं स्मगलिंग करता हूँ ठीक है कोई बात ले 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 ये क्या तरीका है इमोशनल ड्रामेबाजी नहीं ना लेके जाओ ठीक करते हो ना मैं कमाती हूँ ना मेरे शोहर कमाते हैं आप डिपेंड करते हैं ठीक है नहीं आपके पास पैसे रहने तो कोई बात नहीं ठीक है सब तो यहीं जाओ रंगबाजियां यार सानू फिर यहां बिठा के ते घर ते ना कि ले जाने ते ना कुछ सानू लेके जा तेरे भला भूड़ा दे विच किधर लेके जाऊं आपको लेके जाऊं अच्छा चलो वादा रहा अच्छा वादा रहा अगले हफ्ते ले जाऊंगा नहीं ले तो कब जाना फिर हैं अब यार पापा जी कभी तो अपनी जुबान बोल लिया करो जो आपकी बेगम ने बोलना आपने वही बोलना है हैं कल जाना है भाई कल क्या इतना आखिर आगे कहाँ जाना हमने कल बस अपने लेके निकलो अच्छा जो कुछ आप लोगों ने कुछ सोचा भी तो होगा ना पहाड़ों में जाना तो कहाँ जाना किस जगह जाना वो हमें नहीं पता नॉर्दर्न जाना ओ यार कल बड़ा मुश्किल है यार ठीक है अब सब तो ले यार आपका अपना मूड हो ना तो आप कहीं भी चले जाते हैं मुंह उठा के अच्छा मैं सिंगल हैंड ड्राइव कैसे करूंगा नॉर्दर्न एरियाज की फिर मेरे को साथ ड्राइवर लेके जाना पड़ेगा ड्राइवर मतलब कोई अपना दोस्त साथ लेके जाना पड़ेगा हां जी तुम्हारा कोई दोस्त साथ जाने मैं पूछता हूं अभी शाहजी को फोन कर लेते हैं क्योंकि हैदर फ्री नहीं है हैदर की क्लासेस हैं शाहजी को कॉल कर लेते हैं अगर वो फ्री हुआ तो हम सुबह निकल जाएंगे अगर वो फ्री ना हुआ तो फिर आप लोगों को एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा हमारे सामने फोन करो आपके सामने कर ले तुम इतनी बेतबारी मेरे पे आपको तूने जाना पहले कभी गया नॉर्दर्न कहीं भी नहीं गया माँ सदके जाए तू मेरे साथ रह के भी अगर पहाड़ ना देखे तो लाना था फिर मेरे पे डन हो गया कर शादी को फोन अच्छा जी सैयद शहबाज बुखारी साहब को हमने कॉल मिला लिया अल्लाह करे वो मना ही कर दे कि भाई मैं बिजी हूँ अगले हफ्ते में बात पड़ जाए मेरा कोई प्लान ही नहीं था अभी उठा लिया फोन भाई जान सुन लो बाद में ना कहना मैंने चीटिंग किया आपके सामने कॉल करूँ अस्सलाम वालेकुम शुक्र अल्लाह किधर हो मेरी बात सुनो मैं फैमिली के साथ सुबह जा रहा हूँ नॉर्दर्न एरियाज अभी कन्फर्म नहीं है कहाँ जा रहा हूँ ठीक है अब मेरे घर पे मेरे अलावा तो कोई और गाड़ी नहीं चला सकता सिंगल हैंड ड्राइवर हूँ अकेला जाऊँ तो रिस्क ले लेता हूँ माउंटेन्स में लेकिन सारी फैमिली सारा कुंभा मेरा साथ है तो मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है ठीक है तो तुम ड्राइवर बन के मेरे साथ चलोगे नहीं चलो यार भाई हो तो यार तुम छोटे फिर क्या हो गया यार भाई चले तुमने जाना ही है चाहे ड्राइवर बन जाओ चाहे दोस्त बन जाओ चले तो तुमने जाना ही है जाना है कि नहीं जाना ये बताओ टाइम है कि नहीं है फ्री हो कि बिजी हो कर लेते हैं भाई फ्री हो कि बिजी हो फ्री हो अच्छा कल परसों फ्री हूँ उसके बाद कहाँ बिजी हो जरा बताना मुझे ड्रामेबाजियां कर रहे हो अच्छा चलो ठीक है ओके मेरी बात सुनो सुबह 11 बजे रेडी रहना अभी हमें पता नहीं है हमने कहाँ जाना है वो हम सुबह ही डिसाइड करेंगे कि जाना कहीं नॉर्दर्न ही है सुबह 11 बजे रेडी रहना पिक करूंगा ठीक है ओके हाँ जी और बताओ और बताओ अब बस पाए ना हूं नींद आइएगी चलो है मर्जी है यार सुबह मुलाकात होती है और देखते हैं सुबह कहाँ जाते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग ओके जी गुड मॉर्निंग अगर आपको लग रहा है कि रात वाला व्लॉग एक मजाक हो रहा था तो ऐसा नहीं है मेरे घर वाले कम और ज़ॉम्बी ज्यादा हैं जब चिपक जाएं तो चिपक जाते हैं निकल रहे हैं जी दिखाता हूं आपको अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो वाकई हम निकल रहे हैं नाश्ता वगैरह कर लिया शावर ले लिया सब रेडी खड़े हैं मेरे सामने खड़े हैं और इनकी शक्लें देखने वाली हैं इस टाइम आपको देखनी है ये लो ये देखें जी
इतना भी क्या इंसान ने ज्वाइंट होना, इतनी ज्वाइंट फैमिली के एक बैग के अंदर ही सारे घर के कपड़े आ गए हैं। इसमें पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या इसमें, हाँ इसके कपड़े हैं, जैकेट है, और जहां हम जा रहे हैं वहां पर रात को सर्दी होती है, 10-11 टेम्परेचर होता है। कहां जा रहे हैं ये मैं आपको रस्ते में बताता हूँ। शैलजी को पिक करना है और ये काले मुंह वाले को जमा भी करवाना है, लास्ट डेट है आज इसकी। और ये मैंने डिसाइड किया है रात को लेट नाइट बैठ के पहले आज के व्लॉग की एडिटिंग की, उसके बाद एक दोस्त को फोन किया, उससे पूछा कि जब रजब जा रहा है तो व्यू इंपॉर्टेंट है। अब तो पूरी फैमिली जा रही है, क्या कमाल चीज बुक करवा दी है। बस दुआ करें कि जैसा हमें वीडियो में पिक्चर्स में लगा है जाके इन रियल भी वैसा ही हो, जो मैंने पूरा एक बुक करवाया हुआ वो सरप्राइज है। कहां जा रहे हैं वो भी सरप्राइज है, रस्ते में बताता हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं, चले भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलो जी बिस्मिल्लाह करो, आ जाओ। चलो जी, ये मेरा ख्याल है शूज वगैरह मेरे अवैस ने पहले ही रख दिए हैं। ये मेरी पूरी फैमिली का बैग आ गया। हमारा कितने दिन का टूर है, वापसी कब की है, ये मैं आपको सब गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। ऑलरेडी वी आर लेट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम निकलने लगे हैं, सब बैठ गए हैं। जोजो को हमने सास वाले घर पे, जो हमारे नेबर्स हैं बहुत अच्छे हैं, उनका बच्चा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जोजो हमने उनको पकड़ा दिया है, खाना भी दे दिया है, वो ख्याल रखेगा उसका इंशाल्लाह, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और मिनसा अपने घर रहेगी, चीख चिंगाड़ा तो वो डालेगी, लेकिन यह कि अभी छोटी है, उसको सारे दिन के अंदर एक दो बार उसने अपनी माँ के पास जाना ही जाना होता है, तो वहां पर जाएगी तो वो तंग करती, इसलिए उसको भी नहीं ले गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर उसको साथ लेके जाएंगे। लो भाई 2 मिनट बैठो, मैं बिल जमा करवा के। ओके जी, काले मुंह वाला जमा करवा दिया हमने, अब शैदी को भी कर लेते हैं और सदका भी निकालते बेटे, निकालते शैदी आ रहे ना, इकट्ठा निकालते सदका भी। चलो जी शैदी साहब को बिठा लेते हैं, शैदी साहब सामान रख रहे हैं मेरा ख्याल अपना। ओए वे की ओए भाई, कितना सामान है मेरे पास, जो है कोई छोटा बैग नहीं था इसलिए। अल्लाह तुम्हारा भला करे, हम 3 बंदों ने एक बैग तैयार किया और तुम दो बैग है आप लोग के भाई, वहां पर तुमने जिंदगी भर वहीं कराना। देखो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम बड़ा हो गया, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, रखनी है, रखो रखो, हरिया भरिया 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 भरिया, चलो हट जाओ, चलो चलो बिस्मिल्लाह, आ जाओ आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हरिया भरिया भरिया, अस्सलाम वालेकुम। चले भाई, चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके जी, तो ये है हमारा लास्ट स्टॉप, टैंकी फुल करवा लें, हवाएं चेक करवा ली हैं, उसके बाद सीधा मोटर पे बिस्मिल्लाह। चलो जी मैं चलाऊं गाड़ी, नेकी और पूछ पूछ चलाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लो सफर शुरू हो गया। ओके जी, तो अब आपको बता देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जहाँ हम जा रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट वहाँ पर 7 से 8 साल बाद जा रहा हूँ, और आप कितने बाद जा रहे हो? 4-5 साल। 4-5 साल बाद शहरी जा रहे हैं। बाबा आप पापा तो कभी गए नहीं, और अवैस का कहना है कि भाई मैं आज तक लाहौर से बाहर ही नहीं गया। मैं कहा शहजादे टेंशन नहीं लेनी, मेरे साथ रह के तेरी और तरक्की हो या ना हो, माउंटेन्स तू देख लेगा। अम्मा आप कितनी देर बाद जा रहे हो? मैं भी काफी सालों बाद जा रही हूं। अम्मा भी काफी देर बाद जा रही हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम जा रहे हैं मरी। अच्छा, इससे ज्यादा मैं एक्साइटेड इस चीज के लिए हूँ जो मैंने बुकिंग करवाई है कश्मीर पॉइंट पे, पूरा हमने विला बुक करवाया है, ठीक है। अब अल्लाह करे, मैंने जैसी उसकी फोटोज देखी हैं, जैसे मुझे रिव्यूज मिले हैं, वो ओरिजिनल में भी ऐसा ही हो। अगर ऐसा ही हुआ तो भाई साहब क्या कमाल व्यूज है वहां पे। और आपको पता मैं हूँ व्यूज का भूखा, व्यू मुझे चाहिए होता है, चाहे मैं अकेला जाऊं। अब तो खैर मेरी पूरी फैमिली जा रही है, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी फिलहाल हम जाके स्टॉप करेंगे भेड़ा, मिलते हैं। जेड़ा जेड़ा अली दा खुबदार नहीं, जेड़ा जेड़ा अली दा खुबदार नहीं, जन्नत दा होना हकदार नहीं, लाओ नारा अली दा, लाओ नारा अली दा। A few moments later. शोर ऐसे मचाया हुआ था जैसे इन्होंने पता नहीं कितना ही enjoy कर लेना। Hello? Hello? हाँ जी। चलो जी शुक्र लाल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पहुंचे नहीं है, अभी भेड़ा पहुंचे हैं। यार किस किस ने खाना है, किस किस ने नहीं खाना मुझे बता दो, मैं वो बंदोबस्त कर लूँ। क्या खाना अम्मा? यार मैंने अभी लग पीस देखा, उसको देखी भूख लगी वैसे नहीं थी। नहीं बताओ अब खाना है कि चाय पीनी है? चाय का है वैसे मेरा। चाय भट्ट साहब, चाय के खाना, चाय तेरा भाई, चाय भाई तू सैंडविच वगैरह ले ले। चलो देखते हैं,
इसीलिए कहते हैं कि बट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। चाय का कह के अब आके मुझे लेके बैठ गए रेस्टोरेंट में, इसको भी भूख लग गई है, उनको भी लग गई है, अब इनको भी लग गई है और साथ उसको भी लग गई है। अब खाना ऑर्डर किया, आता है खा के फिर निकलते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। मज़ा आया। चलो जी खाना पीना हो गया, अब निकलते हैं। और आप क्या हुआ? आप चलाओ। चलो ये बड़ा काम खराब है। आप सबसे मुलाकात होती है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के। बिस्मिल्लाह। लो जी साहेब सामने देख रहे हो यार भाई कितने बड़े हैं। इतने बड़े। अच्छा जी वैसे तो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही मिलना था लेकिन पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। अवैस साहब ने कहा भाई मैं तस्वीर लेनी है। अवैस की तस्वीर क्या? अवैस के लिए रुके मेरा बच्चा। अवैस की तस्वीर लेनी है भाई, तस्वीर लेके फिर निकलते हैं आगे। ओए सड़क से साइड पे जा, सड़क से साइड पे जा। चल यार ऐसी काम कर दे, मुझे सर्दी लग रही है भाई। भाई जान पीछे आपको सर्दी लग रहा है, पीछे आ जाओ, मुझे गर्मी लग रही है। नहीं इतनी भी नहीं लग रही। हैविंग फन, मजा आ रहा है। आए 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 बस पहुंचने वाले हैं जी। भाई साहब चलती गाड़ी आपके भाई ने रुकवा ली है क्योंकि मुझे आप सबको एक सीन दिखाना है। बस मुझे जगह ढूंढ लेते तो जहां से मैं उसको कैप्चर कर सकता हूँ। ओए होए होए यार देखो। ओए होए 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 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, दिस इज आवर पाकिस्तान। चेक कर रहे हो क्या बात, लव हो गया यार, लव हो गया। चलो भाई माशाल्लाह पूरा पूरा शहर बसता है भाई, क्या बात। चलो जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब हमने जहां जाना है वो है थर्ड फ्लोर पे। पहुंच के आपको ऊपर दिखाते हैं कि इतनी दूर से इतनी हिडन जगह पे हम जो आए हैं वर्थ इट है भी या नहीं। सामान निकाल लेते हैं भाई, पकड़ो ये लो। चलो जी ओए 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 क्या बात है साहेब, थकावट निकल गई यार इतना। ये तो देख के थकावट निकल गई, तो वर्थ इट है भाई। कैमरा उस तरफ कर, बच्चों को दिखा यार थकावट उतर गई। नहीं 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 नहीं, बच्चों को मैं अभी दिखा के तो मजा नहीं खराब करूंगा। व्लॉग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर भाई साहब पूरा व्लॉग बनता है। कसम इस विला के ऊपर पूरा व्लॉग बनता है, ठीक है। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह डिटेल्ड दिखाऊंगा, लेकिन अब इतना भी मैं जालिम नहीं हूँ कि कुछ भी ना दिखाऊं, एक सीन तो दिखाऊंगा। आओ आ जाओ, ये बात जहाँ रजब है वहाँ व्यूज तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई यार, रोशनियां तो मिलेंगी। जिस बंदे ने हमें ये सजेस्ट किया ना लेवल, अभी ये मैं आपको सिर्फ रात का व्यू दिखा रहा हूँ, सुबह उठ के मैं आपको पूरा विला दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप इनको अप्रोच कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है, मुझे मैसेजेस आने हैं, मुझे कमेंट्स आने हैं कि भाई हमें भी बताएं, हमने जाना है, फैमिली विला है, ठीक है। तो सुबह का व्लॉग इंशाल्लाह पूरा इसके ऊपर बनाएंगे। अभी के लिए व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। आसमान पे तारे हैं यार, बालकनी का व्यू देख लो आसमान पे। उसके बाद व्लॉग को यहाँ पर करता हूँ एंड, यहाँ बैठ के इजी चीजी होके चाय शाय पिए जो कि अभी हम पियेंगे। व्लॉग करता हूँ यहाँ पर एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होती है मुलाकात कल पूरे विले के व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।